the amazing technology and the interiors, but the fact that you can use the battery and power like a setting for a camping site at night. For me, that is very exciting. Just imagine, आपके पास गिटार है, आपने लाइट लगा दी है, इसकी हैच उठा दी है, पिज्जा लगा दिया है, और वहाँ पर मेरा जैसा कोई आप सबके लिए औरतों और लड़कों के लिए गा रहा है, तुझे देखा। शाहरुख खान की मौजूदगी से माहौल इलेक्ट्रिक हो ही जाता है। ऑटो एक्सपो में भी ऐसा ही देखने को मिला। इस गाड़ी की कुछ खासियतें शाहरुख से आपने सुनी, कुछ हम आपको बताते हैं। ह्यूंडई की ग्लोबल डिजाइन आइडेंटिटी को दर्शाती इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 72.6 किलोवाट आर की बैटरी दी गई है। ये एक चार्ज में 631 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी बैटरी को 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। आकर्षक एक्सटीरियर है शार्प लाइन, फ्लैट सरफेस के साथ 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर डार्क पेबल ग्रे इंटीरियर और प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री गाड़ी को प्रीमियम फील देती है। बेहतर सुरक्षा के लिए ADS जैसे फीचर भी आयोनिक 5 में शामिल किए गए हैं। आयोनिक 5 की बुकिंग 21 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी। इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए रखी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के भी बड़े प्लान्स हैं। आज उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक ईवी कॉन्सेप्ट EVX को जो है वो यहाँ पर शोकेस किया। क्या है इस गाड़ी की खासियतें और कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीन साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो रही है। 11 से 18 जनवरी तक चलने वाले ऑटो एक्सपो के पहले दिन आज मारुति सुजुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। इस गाड़ी का नाम EVX है और इसे डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इससे पहले इसकी खासियतों के बारे में आपको बताएं, आप देखिए ये कॉन्सेप्ट कार दिखती कैसी है। EVX कॉन्सेप्ट एक मिड साइज एसयूवी है। इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद इसको मजबूत एसयूवी का लुक दिया गया है। चौड़े व्हील बेस हैं, बड़े व्हील आर्क दिए गए हैं और हेडलाइट और टेल लाइट कार को आकर्षक बनाते हैं। ये एक बॉर्न एसयूवी ईवी प्लेटफॉर्म है। बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म वो होता है जो खासकर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आइस व्हीकल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली करके ईवी बना दिया जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप जो बैटरी की पोजीशनिंग है फ्लोर के ऊपर, उसका आपने पोजीशन ऑलरेडी प्लान किया रहता है प्लेटफॉर्म में, लिहाजा आपका जो व्हील बेस है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे, इसका व्हील बेस बड़ा लंबा है। उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर मिलता है। EVX कॉन्सेप्ट में फीचर क्या होंगे ये तो फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एसयूवी एक चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल सकेगी। EVX कॉन्सेप्ट में 60 किलोवाट आर की बैटरी दी गई है और मारुति सुजुकी की इसे 2 साल में लॉन्च करने की योजना है। हम प्रोडक्शन में 2025 के पहले या 2024-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें लेके आएंगे। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद देख कर जाहिर है इंडस्ट्री की नज़र विकल्पों पर है। तेल पर निर्भरता कम करने के साथ कार्बन एमिशन कम करने पर भी ध्यान है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां भी इस बार यहां हैं। मारुति सुजुकी ने वैगन आर प्रोटोटाइप को पेश किया जो 20% से लेकर 85% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर चल सकती है। जो वैगन आर दिखाई है वो 85% इथेनॉल तक के फ्यूल को वो कर सकती है। सो इट्स अ रियली अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। मारुति सुजुकी का इरादा बाजार में 50% हिस्सेदारी हासिल करने का है और इसके लिए तेजी से बढ़ते एसयूवी सेगमेंट पर कंपनी की नजर है। पहले दिन इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, वहीं दूसरे दिन तैयारियां 2 और एसयूवी गाड़ियां लॉन्च करने की। दिल्ली के ऑटो एक्सपो से ताबिश हुसैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।